तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को करते हैं। बेसिकली इसमें देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि हीट एनर्जी 184 कैलोरी गिवन टू द आइस अ मास 600 ग्राम। चलो देखो, एक आइस है, ये आइस है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। इसको हमने हीट एनर्जी दिया कितना, 184 किलो जूल दे दिया। तो जब 184 किलो जूल दे दिए तो ये जो आइस है वो कितना पे था, आइस का टेम्परेचर कितना था भाई? तो आइस का टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो जब -12 डिग्री सेल्सियस है तो ये देखो टेम्परेचर लाइन पे अगर देखोगे तो आइस का -12 डिग्री सेल्सियस है, तो ये टेम्परेचर कम होगा, जब हीट एनर्जी दोगे कम होगा, कम होते होते 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है, पहले तो अपना आइस क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा। अब जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तो अब उसके बाद जो हीट होगा वो आइस का फेज चेंज करेगा। फेज चेंज मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस आने के बाद, ध्यान से सुनना, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक कि पूरा मेल्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे मतलब सब पानी पानी पूरा जो है वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, बात समझ में आए। उसके बाद वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, समझ रहे ना, ऐसे प्रोसेस चलेगा। और फिर उसके बाद बॉयल होना स्टार्ट होगा, फेज चेंज अगेन होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर आ जाएगा, फिर वाटर का फेज चेंज होगा, ठीक ना, ये वाली चीज़। तो यहाँ से तो ये सिनेरियो को आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आइस अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाएगा और फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे सब कुछ आइस ही आइस रहेगा, बात समझ में आया। उसके बाद अब यहाँ से आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगा, ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, और जब आइस मेल्ट होगा तो वाटर बनेगा, और वाटर कितनी डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि अभी क्या है, आइस मेल्ट हो रहा है, समझ रहे हो, आइस मेल्ट, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो आप टेम्परेचर -12 से 0 डिग्री सेल्सियस लाए हो, इसके लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हीट रिक्वायर्ड, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ आइस, टू राइज द टेम्परेचर ऑफ आइस, जो आइस जो है उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट की ज़रूरत है। तो Q1 = यहाँ से तुम Q1 इसको बोल दे, टेम्परेचर राइज के लिए MC Δ θ यूज होता है। मास ऑफ द आइस 600 ग्राम था, तो 1000 से डिवाइड कर दो, और स्पेसिफिक हीट, अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 3 इतना, और मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो ये आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर 0 माइनस माइनस प्लस 12। तो पूरा जब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो ये आ जाता है 616000 और 0.5 जूल। अप्रॉक्सीमेटली तुम देखोगे तो 16 किलो जूल, दैट इज फर्स्ट टाइम जो जो आप हीट दिए थे 184 जूल, उसमें से 16 किलो कैलोरी तो कहाँ यूज हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने में, टेम्परेचर इसका चेंज करने में, -12 से 0 डिग्री सेल्सियस लाने में, -12 से 0 डिग्री सेल्सियस लाने में हमें 16 किलो कैलोरी खर्च कर दिया। तो बचा कितना, तो रिमेनिंग हीट जो होगा, रिमेनिंग हीट कितना बचा है भाई, तो वन अगर रिमेनिंग हीट देखोगे तो Q2 यहाँ से, तो 184 माइनस 16, तो 184 माइनस 16 जो है तो 168 किलो जूल हीट। तो इतना इतना किलो जूल, 168 किलो जूल जो हीट है, किलो जूल, ये क्या करेगा, ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है, अब इसको मेल्ट कराना स्टार्ट करेगा। तो क्या कितनी आइस थी यार, 0.6 kg आइस थी, 0.6 kg आइस थी। तो क्या पूरी की पूरी आइस ये मेल्ट करा देगा, ये बात कैसे पता चलेगा? तो ये बात पता चलेगा, हम चेक कर लेते हैं कि कितना आइस जो है, 0.6 kg आइस को मेल्ट कराने में कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये बात हम चेक कर लेते हैं। तो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट मेल्ट 0.6 kg आइस, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इसके लिए हीट रिक्वायर्ड जो होता है, ही फेज चेंज कर लिए, मास ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट,
तो मास ऑफ द सब्सटेंस आई से तो 6 और 1000 से डिवाइड कर दूं, और लेटेंट हीट यहाँ 3336 दिया हुआ, तो पूरा मैं सॉल्व करता हूँ तो कितनी हीट की ज़रूरत है भैया, 200.1 और ये 6 किलो जूल, जो कि ज़्यादा है, जो कि इससे Q2 से ज़्यादा है, Q3 ग्रेटर देन है Q2 से। इसका क्या मतलब हो भाई, 201 किलो कैलोरी हीट चाहिए पूरे आइस को मेल्ट कर। आपने 168 दिया, मतलब पूरी आइस तो मेल्ट नहीं हुई है, लेकिन कुछ तो मेल्ट हुआ होगा, तो कुछ आइस बच गया होगा यार, बात समझ में आया। तो जो आइस बच गया, मतलब फाइनल टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस वाटर का होगा, ये बात हमको क्लियर हो चुका। तो फाइनल टेम्परेचर सिस्टम एट 0 डिग्री सेल्सियस विल फाइनल टेम्परेचर विल बी, हाँ ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ये फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अब फाइनल टेम्परेचर है वाटर वाला, ये तो बिल्कुल गलत है। फाइनल टेम्परेचर कुछ वाटर कुछ आइस होगा, लेकिन सभी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये तो क्लियर है, ए ऑप्शन सही है। तो ये कभी सही नहीं है सर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, या तो ये सही है या तो ये सही है या तो ये सही है। अब हम चेक करेंगे इसमें से सही कौन सा है। तो अब ये बात कैसे पता चलेगा, रेशियो निकालना है, रेशियो भी पूछ रहे हैं। तो रेशियो मतलब कितना आइस और वाटर फाइनल मिक्सचर में बचा है, उसका रेशियो हम निकालते हैं। तो देखो, जो जो हमारे पास फाइनल सिस्टम है, तो फाइनल मिक्सचर आइस और वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये बात क्लियर हो गया। तो जो 168 किलो जूल हीट है, वो कितने आइस को मेल्ट कर सकती है, ये हम देखते हैं, ठीक है ना। आइस मेल्टेड मतलब ये हुआ कि जो आइस मेल्ट हुआ वो वाटर बना है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो आइस मेल्ट हुआ वाटर बना है, तो जब आइस मेल्ट होता है फेज चेंज के लिए, तो ml लगाते हैं, तो 168 और मल्टीप्लाइड बाई मास, और यहाँ 336 लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो यहाँ से देखते हैं कि यह आ जाता है 0.5 केजी। तो इतना 0.5 केजी जो है आइस मेल्ट हो चुका है, तो रिमेनिंग जो है ये जो है क्या है, वाटर है भाई, 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मास ऑफ, अब यहाँ से रिमेनिंग जो रिमेनिंग बचा हुआ है, रिमेनिंग आइस है, तो यहाँ से मास ऑफ आइस जो देखोगे, तो वो 0.6 में से 0.5 घटा दोगे, तो 0.1 जो है केजी आइस बचा हुआ है। मतलब अगर रेशियो निकालोगे तो मास ऑफ आइस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, मास ऑफ आइस देखोगे तो 0.1 और ये 0.5, मतलब 1:5 इसका फाइनल सोल्यूशन है। तो 1:5 फाइनल टेम्परेचर क्लियर है, आइस वाटर होगा जो कि 1:5 पे होगा, मतलब ए और डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल गलत है। दैट्स वाई द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।